और बिहार विधानसभा उपचुनाव में लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से के खिलाफ जो वादा किया था 10 लाख रोजगार देने का, उन बातों को अब उपचुनाव में उठाया जा रहा है। यह मुद्दा जोर शोर से पार्टी ने उठाया है। अब उपचुनाव में फिर एक दफ़ा पार्टी नेता इसी बात का बिगुल फिर से फूंक रहे हैं। तारापुर उपचुनाव के लिए कैंपेन कर रहे जुआ राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने राजद प्रत्याशी अरुण कुमार शाह के समर्थन में हवेली, खड़गपुर, टेटिया, बम्बर और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव का दौरा कर मतदाताओं से राजद के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार बन जाए फिर 10 लाख रोजगार तेजस्वी सरकार देगी। चूँकि विधानसभा चुनाव 2020 में भी लगातार 10 लाख रोजगार का जो मुद्दा था वो तेजस्वी यादव ने उठाया था और अब उपचुनाव में भी इसी बात को उठाया जा रहा है। अरुण यादव ने कहा कि तारापुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अरुण शाह की ऐतिहासिक जीत होती है तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनना तय हो जाएगा। उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान से राजद प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगा, किसानों का ऋण माफ होगा, बिजली दर कम होगी और वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी होगा और प्रदेश में उद्योग धंधे लगेंगे। मौके पर छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव, जुआ राजद के प्रदेश सचिव मोहम्मद नसीम, हवेली खड़गपुर प्रखंड जुआ राजद के अध्यक्ष प्रवीण कुमार एवं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और इस बार विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए तारापुर सीट पर सभी पार्टियां जोर शोर से जनसंपर्क और सभाओं का आयोजन कर रही है। और इधर सत्तारूढ़ दल जेडीयू और बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहाँ पहुँच करके आ रहे हैं और कितने अभी आएंगे। चुनाव को 6 दिन ही शेष रह गए हैं और 7वें दिन मतदान होता है। ऐसे में वोटरों को गोलबंद करने के प्रयास जारी है। देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, किसे जिताती है और क्या इस बार भी तेजस्वी यादव बाजी मार पाएंगे या फिर जेडीयू बाजी मार ले जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।